कौन है वो पांच साउथ की दमदार वेब सीरीज जो OTT पर मौजूद है और आपको देखनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जलाल। दोस्तों, साउथ की सिनेमा की इन दिनों हिंदी भाषी इलाकों में भी खूब धूम मची हुई है। पुष्पा और बाहुबली नॉर्थ इंडिया में भी बेहद सफल रही और रवि तेजा की नई फिल्म खिलाड़ी भी हिंदी में रिलीज के लिए तैयार है। बड़े पर्दे की बिग बजट और बड़े सितारों से सजी फिल्मों को देखने के बाद अब साउथ में बनी वेब सीरीज पर भी नजर डाली है। जिस तरह दक्षिण भारतीय में दर्शकों की कसौटी पर खरा उतरती है, उसी तरह वेब सीरीज के हिंदी वर्जन भी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। अगर आपने अब तक कोई साउथ वेब सीरीज नहीं देखी तो हम आपको पांच ऐसी टॉप वेब सीरीज बता देते हैं जो आप देख सकते हैं। साउथ की सीनियर और सुपरहिट स्टार राम्या कृष्णन की एक वेब सीरीज है जिसका नाम है क्वीन, और फिल्म में साउथ की पावरफुल पॉलिटिशियन जयललिता के जीवन पर बेस्ड है, जिसमें कुछ फिक्शन डाला गया है। वेब सीरीज में राम्या कृष्णन ने कमाल कर दिखाया है। वेब सीरीज के 11 एपिसोड को हिंदी में डब करके MX प्लेयर पर रिलीज किया गया है। इसके बाद ट्रिपल्स का नाम सामने आता है। ये वेब सीरीज तीन दोस्तों की कहानी है जो कैफे खोलने के लिए पैसे उधार लेते हैं, लेकिन जब उधार चुकाने की बारी आती है तो सारा जमा पैसा चोरी हो जाता है। इस थ्रिल के साथ साथ वेब सीरीज में एक उलझी हुई लव स्टोरी भी दिखेगी। ये लव स्टोरी कैसे उलझती है और फिर कैसे लोग इसे सुलझाते हैं, चोरी हुए पैसे कैसे मिलते हैं, इसी पर बेस्ड है ये स्टोरी। इसके 8 एपिसोड है जो कि Disney+ Hotstar में आपको देखने को मिलेगी। लिस्ट में अगला नाम है वेला राजा। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो चार अलग अलग किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म ड्रग्स, बचपन बचाने की कवायद और एक जानलेवा फैक्ट्री बंद करने की घोषणा और साथ ही संघर्ष की कहानी है। आखिर में सभी किरदार एक ही मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। वेब सीरीज के 10 एपिसोड Amazon प्राइम पर मौजूद है। लिस्ट में अगला नाम है ऑटो शंकर। ये सीरीज साउथ के सबसे खूंखार क्रिमिनल की कहानी पर बेस्ड है। फिल्म में खून खराबा और थ्रिल तो है ही, साथ ही एडल्ट कंटेंट भी भरपूर है। सीरीज के 10 एपिसोड हैं जो Z5 पर देखे जा सकते हैं। अगला नाम है पावा कड़ाईगाल का। इस वेब सीरीज में चार अलग अलग कहानियां हैं जिन्हें चार अलग अलग निर्देशकों ने डायरेक्ट किया है। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स में देखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो पांच टॉप वेब सीरीज। अगर आप साउथ सिनेमा के दीवाने हैं तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए। कैसी लगी हमारी ये अपडेट, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या क्या जानना चाहते हैं, ये भी लिख डालिए। और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।